गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो पे। और भाई आज है 9 जुलाई, सो आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है। सो मैं रेडी हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी टेम्पल, पास में है इस्कॉन टेम्पल, तो वहाँ होके आते एक बार जाते हैं। सो इस्कॉन टेम्पल भी जा रहा हूँ और एक बार वहाँ जाके अपना दर्शन वगैरह करते हैं भगवान के। भाई मौसम तो आज अभी सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है, कोई नहीं निकलते हैं। और भाई उन सभी को धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे फ़ोन नंबर पे या जैसे भी करके। तो सभी को दिल से धन्यवाद और थैंक यू बर्थडे विश करने के लिए। सो अभी निकलते हैं डायरेक्ट टेंपल के लिए। ये अच्छा किया यार, यहाँ का रोड बना दिया, पहले यहाँ इतने गड्ढे थे भाई। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहीं से लगता है क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं भाई गोरे गुंटे पालिया। और जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा, अगर नहीं देखा तो देख लो, वो इस लोकेशन का है, ये ग्रेट गेटवे जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता है। और साथ में है ओरियन मॉल अंदर, बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में कवर की हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप देखो एक बार। भाई भीड़ तो बहुत है। श्री राधा कृष्णा टेम्पल, फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी रूपादा जी। भाई फाइनली टेम्पल के अंदर एंट्री हो गई। सो यार मैं टेम्पल पहुंच गया, गाड़ी तो मैंने पार्किंग में लगा दी लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। वैसे सामने से मैं दिखा दूँ, ये है टेम्पल, ये एंट्री गेट है और यहाँ से भी जाने का एक रास्ता है, एक और रास्ता है जो कि शॉर्टकट है। सो ट्राई करेंगे अपन शॉर्टकट से ही चलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एक चीज़ मैंने देख ली भाई, इस टेम्पल में सबसे अच्छा टाइम है ना जो आने का, वो है मॉर्निंग में। आप 7 o'clock आ जाओ, उस टाइम भीड़ भी नहीं रहती और तो आराम से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, देखो भाई। वैसे यहाँ से नहीं जा सकते, यहीं से चलते हैं, यहाँ से सही रहेगा। भाई सोच तो रख दिए, यहाँ पे 5 रुपये पर पर्सन है चार्ज। यहाँ पर भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा है। अब डायरेक्ट चलते हैं दर्शन के लिए। मैं तो इस साइड से आ गया था शॉर्टकट मार के, इस वजह से कम भीड़ मिली, अदरवाइज अगर इस साइड से आता ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती। भाई मेन गेट यहाँ पे टेंपल का, पहला टेम्पल, इसके बाद ये सेकंड, उसके बाद है मेन टेम्पल वहाँ पे। तो अब चल रहे हैं सेकंड वाले टेम्पल। भाई ये है मेन टेम्पल, मेन टेम्पल का एंट्रेंस। एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एक बार मैं सुबह पूरी रात यहाँ पे रुका था और काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, तो वो व्यू देखना एक बार, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। मैंने वैसे अलग अलग 2 वीडियो बना रखे हैं, दोनों की लिंक डाल दूंगा। सो वो एक बार जाके आप ज़रूर देखना, इस टेम्पल के बारे में काफ़ी डिटेल में भी मैंने बताया है, काफ़ी अंदर के व्यू भी हैं। एक तो जो कि यूथ के लिए होता है,
योगा फॉर हैप्पीनेस, तो वो भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड किया था, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो ये टेम्पल 31 मई 1997 में ओपन हुआ था, और ये है हरे कृष्णा माधव टेम्पल। इनका मिड डे मील प्रोग्राम चलता है अक्षय पात्रा के नाम से। हरे कृष्णा गिरी सबसे पहले ऐसे थे ये पहाड़ी, अभी इसको देखो कितना खूबसूरत लगता है, पूरे मतलब यहाँ का एरिया ही बदल गया। अक्षय पात्र साउथ इंडिया किचन से प्रसाद भी दे दिया यार, साथ में विनोद को भी खिला देंगे और भी लोगों को दे देंगे, मैंने मिक्स लिया है ये अच्छा है। यहाँ पे साथ ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मूवी थिएटर टाइप का भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान की सारी मूवी वगैरह दिखाते हैं 80 वगैरह में, और शॉपिंग करनी है फ़ोटो वगैरह कुछ ख़रीदना वो सब कुछ यहाँ पे है। भाई मालपुआ खाते हैं यहाँ पे, तो मालपुआ खा रहा है भाई, एक लिया है मालपुआ, काफ़ी जूसी है देखना। एक मैंने पार्सल भी ले लिया, विनोद को भी खिलाएंगे। अच्छा लग रहा है। भाई ये है मेन प्रसाद यहाँ का, तो यार भाई प्रसाद वगैरह मैंने ले लिया, और यहाँ पे फ्री लंच भी है वैसे 11:30 to 2:00, बट काफ़ी भीड़ है तो इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ, मुझे ऑफिस भी निकलना है, तो फ्री लंच की वैसे लाइन लगी हुई है यहाँ पे कि फ्री लंच भी मिलता है 11:30 to 2:00, प्रसाद तो फ्री ऑल टाइम मिलता है बट लंच भी मिलता है, तो लाइन लगी है वैसे। तो अभी यार चल रहा है क्योंकि टाइम भी कम बचा है, समथिंग 15 मिनट बचे हैं 2 बजने में, तो अभी यहाँ से निकलते हैं भाई। पूछ कहाँ पर रखे, वैसे लास्ट वाला काउंटर था मैंने उसका काउंटर नंबर नहीं देखा था, देखते हैं। तो भाई अच्छे से दर्शन हो गए, प्रसाद वगैरह मैंने ले लिया, और अब यहाँ से निकलते हैं सीधा ऑफिस के लिए। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, यही है पूरा टेंपल घूम के जाना पड़ेगा, चलते हैं इस बहाने। आप टेंपल का एरिया भी देख लो कैसा लगता है भाई, अगर कभी भी इस टेंपल को अच्छे से करीब से देखना हो कि क्या होता है, कैसे आरती होती है, उस सुबह की मंगला जो आरती है वो अगर आपको देखनी हो, एंजॉय करनी हो, तो सबसे अच्छी बात अगर आप यूथ हो, मींस आपकी 30 या 32 तक एज है, तब यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया है, उसका नाम है योगा फॉर हैप्पीनेस। ये एक्चुअली मोस्टली फोकस है यूथ के लिए, यूथ के ऊपर फोकस करके प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, और ये एवरी सैटरडे को होता है, मीन सैटरडे को स्टार्ट होता है 2 बजे समथिंग यहाँ पे आना पड़ता है, उसके बाद सेकंड डे संडे समथिंग 12 बजे तक ये चलता है। इस प्रोग्राम में भाई आप
बिलीव नहीं करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे और साथ ही आप जो फील करोगे यहाँ का एटमोसफियर, यहाँ का वेदर, जो मॉर्निंग में 5 o'clock पे यहाँ पे योगा करवाते हैं, भाई क्या बताऊँ, क्या क्या कितना, मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में कितना अच्छा लगता है। और सेकंड इसको पता है चार्ज कितना है, केवल 100 rupees। मैं लास्ट टाइम अटेंड किया था, मुझे केवल 100 rupees पे करना पड़ा था, अभी का पता नहीं कितना है, बट लास्ट ईयर मैंने अटेंड किया था समथिंग मार्च या अप्रैल में। सो भाई मैं उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रॉपर, कैसे आ सकते हैं, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन है सब कुछ, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर जाके क्लिक करके आप वो वीडियो देख के यहाँ पे आ सकते हो। खाना खा लेते हैं पहले, भूख बहुत तेज लगी है। तो यार भाई यहाँ तो काफ़ी तेज बारिश भी हो गई है और मैं टेंपल से आ गया था। सो अभी टाइम हुआ है कितना, 5:09 हुए हैं समथिंग, 20 मिनट बाद यहाँ से निकल रहे हैं, सीधा चलते हैं घर। काफ़ी ज़्यादा यार थकावट लग रही है, पता नहीं नींद टाइप की आ रही है, लग रहा है जाके 1 घंटे पहले सो लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। सो यार जैसे रूम पे आया ना, इतनी तेज़ नींद आ रही थी, मैं तो सो गया, उठा समथिंग 8 बजे, 8:30 बज रहे हैं। सो अभी पीते हैं चाय, एक बढ़िया चाय है, साथ में ब्रेड है एक रखा हुआ था, नमकीन पीते हैं चाय। वीडियो एडिट करके अभी फ्री हुआ हूँ और बज गए रात के 12:15। सो भूख तो नहीं लगी है क्योंकि मैंने शाम के टाइम पे ही खाना खा लिया था, और जो मैं इस्कॉन टेम्पल से प्रसाद लेके आया था उसमें से प्रसाद बचा हुआ था, ये तो है स्वीट रोटी, ये है भुजिया, ये मोतीचूर लड्डू, और भी इसमें लड्डू थे, और एक और था, ये क्या था, एक और स्वीट था, तो वो मैंने ऑफिस में बांट दिया था अपने साथ वालों को। सो अब इसमें से थोड़ा सा मैं प्रसाद खा लूँगा और उसके बाद सोता हूँ यार भाई, क्योंकि 12:15 बज गए हैं और वीडियो एडिट हो गया, अपलोड करना है, लगा दूंगा तो मे भी रात में अपलोड हो जाएगा। सो भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होपफुली आज आपको ये इस्कॉन टेम्पल वाला वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दो भाई, जिससे कि हमारी रीच बढ़ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।